बरसात बुरी लगती है। अगर होता है दर्द सीने में तो हर बात बुरी लगती है। अदा की मोहिनी मूरत बिगाड़ देती है और अच्छो अच्छो को भी औरत बिगाड़ देती है। क्योंकि जो माताएं कुछ समझ नहीं ना हमारी बातों को, हर माताओं की बात को नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ माताएं ऐसी हैं हमारी जो अच्छे अच्छे व्यक्तियों को बिगाड़ देती है। हम कर भैया और लिखा है कभी ने, अरे गैरों से गिला क्या करें और अपने बदल गए। मगर चेहरे बदल गए। और घर में बहू के आते ही, घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। बताया है कभी ने लिखा है कि आजकल के लड़के, रजनीश भैया और आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे और घर को छोड़ करके विक्रम भैया ससुराल में रहने लगे। ससुराल में धन दौलत धन माया क्या मिल गई, ससुराल को भी छोड़ करके नैनीताल में रहने लगे। के चार बर्तन मांझ करके एक माँ चार बेटों को पाल लेती है, चार बासन को मांझ करके एक माँ चार बेटों को पाल लेती है।
लेकिन उन चार बेटों पर एक माँ बाप नहीं पाले जाते। भैया क्या नहीं पाले जाते? माँ बाप। और घर में बहू के आते कभी कह रहा है लास्ट में और जब तक था मेरे पास बेटा और नाते हजार थे। और जब तक था मेरे पास बेटा और और जब मैं हुआ गरीब तो जब मैं हुआ गरीब तो अपनी बदल गए जब मैं हुआ गरीब तो अपने बदल गए कौन किसी का होता है योगित भैया और यहाँ कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाते हैं जिन पर भरोसा होता है कि यहाँ पर कौन किसी का होता है विक्रम भैया और धोखा वही लोग दे जाते हैं जिन पर भरोसा होता है क्योंकि जब तक मेरे पास में ढेर सारा पैसा था तो यार दोस्त माँ बाप बीवी बच्चे सब कुछ मेरे थे लेकिन मरण के बाद कोई किसी का नहीं होता है। और जब तक था मेरे पास पैसा जब मैं हुआ गरीब तो रजनीश बेटा जब मैं हुआ गरीब तो अपने बदल गए क्या करे अपने बदल गए रुपया हमारे योगेश भैया जी की सासू माँ का नाम तो हमको नहीं पता है और ना हमें पता है कौन सी तुम्हारी सासू माँ है ना खड़ो करते हो दो मिनट का आय हाय क्या नाम है फूल की तरह बत्ती है और हमारी
योग भैया जी, सासू माँ का नाम फूलवती है, कौन सी है? उन्हें खड़ो करते माता जी, शर्मा मत, कसम तुम्हें उन्हें की है, समझ लो बाबा जी। खड़ी हो जाओ यहाँ पे आके मैदान में, हाथ दो दो हाथ धो दो। हमारी फूलवती कहने लगी, अरे बाबा तेरी दूरी नगरिया मिलनो कहने हो, मिलनो कहने हो, यार तेरी दूरी नगरिया मिलनो कहने हो, मिलनो कहने हो, ऐसे नहीं माता जी। खड़ी हो जाओ बाबा के दरबार में, हाजिरी लगाओ, क्योंकि यहाँ शर्माने से कोई काम नहीं चला करता है, और यहाँ शर्माने से और कोई काम नहीं चला करता है, और देखता है जो बाबा के दरबार में हाजिरी, और उसको बाबा नाई नहीं किया करता है। तो जिनको बाबा के दरबार में हाजिरी देनी, खड़े हो जाएं। अभी तक कसम नहीं डाली है, कसम डाल दूंगा, इसलिए खड़ी हो जाओ माता जी। के जाहर तेरी दूरी नगरिया हो मिलना दोस्ते कैसे हो।
करने से ज्यादा वो है बाबा का दीवाना। भैया शिवम और राजकुमार है चरणों का दीवाना, रजनीश यादव है बाबा का दीवाना। अरे आएगो मेरो आएगो शिवम तो भैया